वाराणसी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश पार्थ सारणी मैन शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार 26 मई को बराबर दोसा सेंटर में ICMR स्टेमी केलर प्रोजेक्ट के तहत हृदयाघात से बचाव के लिए ECG व तमिम देरेपी को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वाराणसी समेत प्रदेश के 18 जिलों के मुख्य अधिकारी एवं वाराणसी के चिभिक व स्टाफ नर्स प्रतिभाग करेंगे, जहां हृदयापात उपचार परियोजना स्टेमी केयर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। विभिन्न बिंदुओं पर दीपियों पर संवाद किया जाएगा। चिकित्सकों व स्टाफ नर्स को ECG व बोलिसिस घेरेपी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उक्त मुख्य अधिकारी CMO डॉ. संदीप चौधरी ने बृहस्पतिवार से दुर्गाकुंड स्थित CM में आयोजित मीडिया श्रीफिंग में कहीं, CM ने कहानियामा उपचार परियोजना में जिले में हार्ट अटैक के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी जिले को केप में चिन्हित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के मंडलीय एवं जिला चिकित्सालयों सहित सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वाबेलियों में दिल के मरीजों को इलाज की सुविधा दी जाएगी। जिन्होंने बताया कि मरीजों की जांच के लिए सभी चिकित्सा इकाइयों पर ECG मशीनों के साथ अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। चिकित्सक व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा। ये हब एंड स्पोक मेथड से जो ST सेगमेंट एलिवेशन के हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनके इलाज के बारे में यहाँ पर ये ICMR द्वारा जो प्रोजेक्ट है उसका ये कॉन्फ्रेंस कल 26 तारीख को है। आज वो टीम स्पोक्स को विजिट भी कर रही है, गैप एनालिसिस कर रही है। इसके बाद चरणबद्ध स्तर पे हम ट्रेनिंग करेंगे अपने स्टाफ्स के, अपने जितने भी पैरामेडिकल्स हैं उनके, और साथ साथ BHU को हब लेते हुए जनपद वाराणसी में 20 स्पोक्स लगभग बनाए जाएंगे, जिसमें जिला चिकित्सालय और जितनी अर्बन की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है एवं रूरल की जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुल मिला के 20 के आसपास हो रहे हैं। इन पे स्पोक बनेगा, जहाँ पर किसी भी मरीज को जिनको सीने में दर्द है, वो उनका 24 घंटे में कभी भी अगर हुआ तो वहाँ जाके ECG अपना करा लें और वो ECG तुरंत एक ऐप के माध्यम से BHU के हब में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और वहाँ पर एक बाकायदे तमाम सम्मिलित आंकड़ा तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग जैसे मैंने बताया कि मृत्यु का पूरे कारण देखा जाए तो 28% मृत्यु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, जिसमें हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा है। ECG लेने के बाद उसको एक ऐप के माध्यम से उस पे BHU में जो हब में डॉक्टर्स ड्यूटी पे रहेंगे, हमारे सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसको देखकर उस पर अगर किसी को हृदयाघात के संबंधित कोई लक्षण है, उस ECG पे दर्शित हो रहे हैं कोई चेंजेस, तो उनको वहाँ पर उनको दिशा निर्देश के अनुसार टेरी मेडिसिन के द्वारा उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और स्पोक्स पर वहाँ पर थ्रम्बोलाइसिस होगा, यानी जो रक्त धमनियों में खून का जमाव होता है उसको हटाने या तोड़ने के लिए के प्रोसेस को थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। और इससे हम एक तो हम अपना थ्रोम्बोलाइसिन टाइम जो है उसको कम करेंगे और हमारा जो थ्रोम्बोलाइसिस रेट है वो बढ़ जाएगा, जो हमें आज की स्थिति के हिसाब से लगभग डबल करना है। और हमारा थ्रम्बोलाइसिन टाइम जो आज की स्थिति में किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो BHU में जाकर पहुंचने में भी घंटे निकल जाते हैं, जब तक उनकी मांसपेशियां हृदय की या तो हृदय से मृत्यु हो जाती या हो बचते हैं तो उनकी मांसपेशियां भी ज़िंदगी भर इसके बाद ख़राब हो जाती है, तो लाइफ टाइम उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। इस चीज़ को कम करने के लिए ये सारा हब एंड स्पोक मेथड से
थ्रोम्बोलाइसिन थेरेपी की जाएगी। इसे किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा उसे तत्काल 2 घंटे के अंदर ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आगे अगर एंजियोग्राफी की आवश्यकता है तो उन्हें बाय गवर्नमेंट मेथड से उन्हें ट्रांसपोर्ट निःशुल्क करके वहाँ पर उसकी अगर आवश्यकता होगी।